एक शख्स जो है छल्ला पहन लेता है या कड़ा। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें पहनी जाती, कोई धागा बाजू पे बांध लेते हैं, फिर कहते हैं ये जामिन है। जामिन है किस चीज का? सेहत का या कामयाबी का या जो आपका मकसद है उसको पूरा करने के लिए ये जामिन है। इसको क्या कहते हैं? शिर्क। क्योंकि अल्लाह के सिवा तो कोई जामिन नहीं हो सकता। शिफा तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के रसूल कहते हैं शिफा अल्लाह के हाथ में, हम कहते हैं धागा जामिन। जरा उसकी साइंटिफिकली तहकीक करके देखें उसमें कौन से औसाफ पैदा हो गए, धागे में कहां से कुव्वत आई। धागा बेचारा तो पकड़े ना तो अपनी जगह पर ही पड़ा रहता, जिस हालत में होता अपनी हालत भी नहीं बदल सकता। अच्छा, फिर आप देखिए कि जैसे उंगलियों में छल्ले पहने जाते हैं, छल्ले चढ़ाए भी जाते हैं मुख्तलिफ दिनों में, और पाओ में और हाथों में कड़े पहने जाते हैं, बाजुकत को ब्रेसलेट पहन लेते हैं, और आजकल फैशन के तौर पर भी मुख्तलिफ कलर्स के ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं कि ये इतने कलर्स के धागे हैं और इतना फला फला है, और अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये फला मकसद इस तरह से पूरा होगा। और इसी तरह से यही धागे जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी बांधे जाते हैं, और खास तौर पर गले में लटकाने का मामला तो आपके इल्म में ही है। बात यह है कि जिस वक्त इंसान की तवज्जो रब से हटकर किसी और तरफ हो गई कि शिफा इसकी वजह से नसीब होनी, तो उसकी वजह से इंसान का शऊर टेढ़ा हो जाता, तो यही शिर्क है। इस शिर्क से रब्बुल इज्जत बचाना चाहते हैं कि शिफा अल्लाह के हाथ में। दुआओं में जो चीज खास नजर आती है, हर सोच का रुख अल्लाह की तरफ है, लेकिन तावीज की वजह से ये रुख मुड़ जाता है तावीज की तरफ। आप खुद जरा गौर करके देखें, इंसान तावीज को जो है वो कार आमद समझता है और उसके बारे में कॉन्शियस भी होता है, उनको जो है बाकायदा तौर पर चांदी में बास लोग जो है वो उसे पैक करवा के फिर पहनते हैं, या इसी तरह से बाजुकत गोल्ड में भी लोग पहनते हैं, और फिर ये कि जैसे घोल के पिलाया जाता है तो इसे जाफरान से लिखवाया जाता है, या इसी तरह से कीमती चीजें जो है वो इस मकसद के लिए यूज होती हैं। ईसा बिन अबी लैला फरमाते हैं, मैं अबू माबद अब्दुल्ला बिन अकीम जोहनी के पास उनकी तीमारदारी के लिए गया, उनके चेहरे पर मर्ज की सुर्खी गालिब थी। मैंने कहा आप इसके लिए कोई तावीज क्यों नहीं लटका लेते? फरमाने लगे मौत उससे ज्यादा करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कोई चीज यानी तावीज वगैरह लटकाता है वो उसी तावीज के सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी अल्लाह उस पर से अपनी रहमत का हाथ उठा लेता है। तिर्मिजी की रिवायत है 2072 नंबर पर। हजरत ज़ैनब से रिवायत है जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की वाइफ थी कि एक बुढ़िया हमारे पास आया करती थी, वो दम करती थी सुर्ख दानों के लिए। हमारे पास एक तख्त था जिसके पाए लंबे थे। अब्दुल्लाह का ये कायदा था कि जब वो अंदर आते तो खनखारते और आवाज देते। एक रोज वो अंदर आए, जब मैंने उनकी आवाज सुनी तो उनसे हिजाब किया, वो मेरे एक तरफ बैठे और मुझसे मसाज किया। एक तावीज उनके हाथ को लगा जो मेरे गले में पड़ा था। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सुर्ख बादे से बचने के लिए एक दम है। उन्होंने इसको खेंचा और तोड़कर फेंक दिया और कहा कि अब्दुल्ला की आल शिर्क की हाजत नहीं रखती। मैंने सुना रसूलुल्लाह से आप फरमाते थे दम और तावीज और गंडे जो गले में लटकाए जाएं, और टोना यानी हब का गंडा या सहर का डोरा यानी जादू का डोरा, ये सब शिर्क हैं। मैंने उनसे कहा कि एक रोज मैं बाहर निकली तो मुझे फलां शख्स ने देख लिया, मेरी उस आंख से आंसू बहने लगे जो उस शख्स के करीब। जब मैं उस पर दम करती तो आंसू थम जाते, फिर जब दम छोड़ देती तो आंसू बहने लगते। अब्दुल्ला ने कहा यह शैतान का फरेब था, जब तू उसकी इताअत करती और दम की पनाह ढूंढती तो वो तुझको छोड़ देता, और जब तू उसकी नाफरमानी करती और दम को तर्क करती तो वो अपनी उंगली तेरी आंख में मारता, तेरे आंसू बहने लगते ताकि तुझे दम पर एतकाद हो और तू शिर्क में गिरफ्तार हो। लेकिन अगर तू वो करती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो तेरे लिए बेहतर होता और गालिबन शिफा हो जाती। तू आंख में पानी छिड़कती और कहती, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अज़हबिल बअस रब्बन नास इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाउल्ला युगादिरु सक्मा। इब्न माजा की रिवायत है 3530 नंबर पर।
हजरत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक शख्स को देखा जिसके हाथ में एक पीतल का छल्ला था। आपने फरमाया, ये छल्ला कैसा है? वो बोला, वहना की बीमारी का है, वो एक बीमारी है या रग है हाथ में। आपने फरमाया, उसको उतार डाल, इससे तुझे और वहन पैदा होगा। इब्न माजा की रिवायत है 3531 नंबर पर।